नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। रीवा जिले में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीते दिनों कांग्रेस से महापौर प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया और आज पूरे जोश के साथ बीजेपी से महापौर प्रत्याशी एवं पार्षद प्रत्याशी पार्टी कार्यालय अटल कुंज से नामांकन दाखिल करने निकले। बीजेपी से महापौर के लिए प्रत्याशी प्रबोध व्यास आज नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे और उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान भाजपा के पदाधिकारी नेताओं व कार्यकर्ताओं में जमकर जोश देखा गया। पुरुष के साथ साथ महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी प्रबोध व्यास का उत्साह बढ़ाते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची। इस दौरान रीवा विधायक व पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला, सांसद जनार्दन मिश्रा सहित बीजेपी के तमाम नेता मौजूद रहे। आपको सुनाते हैं, नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद महापौर प्रत्याशी प्रबोध व्यास ने मीडिया कर्मियों से क्या कहा। भैया, मुद्दे तो हमेशा एक ही रहते हैं। आम नागरिक के जो मुद्दे हैं वही जनप्रतिनिधियों के मुद्दे होते हैं। नगर निगम से जुड़े मुद्दे, प्रकाश व्यवस्था, नाली, सड़क, कचरा, इन सब के निदान के जो समस्याएं रहती हैं उन मुद्दों से जुड़ी हुई और योजनाओं का क्रियान्वयन, जो मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएँ, केंद्र की योजनाएँ हैं, उनका क्रियान्वयन सही ढंग से हो, यही मुद्दे। मैं भी उन्हीं में जो काम रुका है या कुछ कम हुआ है उनको पूर्ण करें। कुछ अलग कुछ मैं बन जाऊंगा, जनता का आशीर्वाद मिल जाएगा। जब मैं करके दिखाऊंगा तो आप मुझसे आगे खुद बोलेंगे कुछ बातों। किसानी विधायक ने ये दावा कर दिया कि आप जीत गए। हारने के लिए कौन चुनाव लड़ता है? कांग्रेस का ये कांग्रेस किसी को इतना सारा विकास किया है, जनता के लिए काम किया है, हम सबको पूर्ण विश्वास है। हमारी सरकारों ने किया है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है। बिल्कुल जीतेंगे, हमारी इतनी बड़ी टीम है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ बूथ में काम कर रहा है। हम जीतेंगे, विजय होंगे। किसको मानते हैं कि आप पीछे बोल रहे हैं? ऐसा करीबी तो पूरी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। हाँ ठीक, आगे। अब इसका भी मुद्दा तो जनता तय करेगी, कौन करीब रहेगा, कौन दूर जाएगा। मंत्री जी कह रहे हैं कोई करीब नहीं। निश्चित रूप से कोई नहीं। टक्कर कहाँ पड़े हो, चक्कर में आ रही है।